इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर नाम आता है मेजर विवेक गुप्ता का। यह दूसरी राजपूताना राइफल्स के मेजर थे। इनके नेतृत्व में 12 जून 1999 की रात तोलोलिंग चोटी पर विजय प्राप्त करने के लिए कंपनी रवाना हुई। मेजर विवेक गुप्ता का दुश्मनों से आमना सामना हुआ। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों ने हमला किया जिसमें मेजर विवेक गुप्ता को 2 गोलियां लगी, लेकिन घायल होने के बावजूद मेजर विवेक गुप्ता ने 3 दुश्मनों को ढेर कर बंकर पर कब्जा कर लिया और वहां तिरंगा लहराया। मेजर विवेक गुप्ता गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे। उनके सैन्य कौशल की बदौलत एक बड़ा क्षेत्र भारतीय सेना के कब्जे में आ गया था।